फाइनल में से इनिशियल घटा दो, फिर हंड्रेड इनिशियल से डिवाइड कर दो, हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो। आप यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो एरर वाला कॉन्सेप्ट था उससे नहीं कर सकते आप, एरर वाले कॉन्सेप्ट से परसेंटेज नहीं निकाल सकते। मैं हमको हमेशा बताया हूँ परसेंटेज निकालने के दो तरीके हैं, जब लेस देन 5% होगा या अप टू 5% होगा तो एरर वाला कॉन्सेप्ट चल जाता है, ठीक है। लेकिन ये हमें एक्चुअल प्रोसेस से करना पड़ेगा, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ा दी गई, कितनी 300% इंक्रीज हो गई, तो मोमेंटम कितना परसेंट बढ़ा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी मान लो ई डैश, एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी ई थी और ई में 300% बढ़ गया, 300% ऑफ ई, तो इसका मतलब ये आ जाएगा, तो ई प्लस 300%, तो 300E मतलब ये आ जाएगा 4E। तो न्यू जो काइनेटिक एनर्जी बनी है E डैश, वो एक्चुअल जो इनिशियल थी E, उसका 4 times हो गया, ठीक है। चलो, तो मोमेंटम, मोमेंटम एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन 2m, तो मोमेंटम जो आ जाएगा, मोमेंटम दैट इज 2m e अंडर रूट, यही तो होता है भाई, ठीक है। अब मोमेंटम कितना परसेंट बढ़ा, ये एक्चुअली इनिशियल है, इनिशियल इसको मान लेते हैं। अब जो एनर्जी ई डैश हो गया, तो मोमेंटम पी डैश हो गया होगा, तो 2 pm e अंडर रूट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2m और ई डैश की वैल्यू यहाँ हम 4e लेके आए हैं, दैट इज द 4e, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट रखोगे तो यह जाएगा 8 me अंडर रूट, दैट इज द मोमेंटम पी डैश, ठीक है। या यूं कहूं, मैं यूं कहूं कि ये 2 और 2 me ऐसे लिख ले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 इसको बोल दो। चलो, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय एक्चुअल मोमेंटम और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, तो फाइनल में से इनिशियल घटा दो, तो इसमें से इसको घटाओगे, तो इसमें से इसको घटाओगे तो ये 2 me कॉमन आ जाएगा अंडर रूट, और 2 - 1 और एक्चुअल से डिवाइड करोगे तो एक्चुअल भी 2 me है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ख़त्म हो गया और यह आ जाएगा 100%। तो जो मोमेंटम है वो 100% बढ़ेगा अगर काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ाओगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ाओगे तो मोमेंटम 100% बढ़ेगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है।